हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ9 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप जो है होम स्क्रीन ऐप आइकन बैज सेटिंग को अपना इनेबल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये होम स्क्रीन ऐप आइकन बैज सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ही सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन में सेटिंग पेज को ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फोन में। सेटिंग पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा नोटिफिकेशन का, नोटिफिकेशन पे सेलेक्ट करना है। अब नोटिफिकेशन के इस पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा होम स्क्रीन ऐप आइकन बैज, इस ऑप्शन पे आपको सेलेक्ट करना है। अभी आपका जो है ना होम स्क्रीन ऐप आइकन बैज का पेज आपका ओपन होगा। इसमें आपका सबसे नीचे डू नॉट डिस्प्ले के सामने वाले सर्कल पर आपका पहले से ही सिलेक्टेड होगा, यानी कि आपकी सेटिंग पहले से ही डिसेबल होगी। अभी सेटिंग को इनेबल करने के लिए आपको डू नॉट डिस्प्ले के ऊपर आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो डॉट का एक नंबर का। इन दोनों में से आपको कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिससे आपकी सेटिंग इनेबल हो जाएगी। अब देखिए मैं इसे ऊपर वाले डॉट पे सेलेक्ट कर लेता हूं, तो ये सेटिंग आपकी ना इस तरीके से इनेबल हो जाएगी। अभी सेटिंग इनेबल होने के बाद कैसे काम करती है ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, जब भी कभी आपके मोबाइल फोन पे नोटिफिकेशन आएगा तो वो नोटिफिकेशन जिस ऐप का होगा उस ऐप के ऊपर आपको डॉट दिखाई देगा लगा हुआ, दिखा देता हूं मैं आपको। ये देखिए इन वाले दो ऐप्स के ऊपर एक डॉट लगा हुआ है, ठीक है। और यहां पर भी देखिए इस वाले ऐप के ऊपर एक ग्रे कलर का डॉट लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से सेटिंग इनेबल करने के बाद काम करेगी। अब आपको इस सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका भी बता देता हूं आपके मोबाइल फोन में। इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये जो आपके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज है इसे आपको फिर से ओपन करना है स्टार्टिंग से, ठीक है। तो सेटिंग पेज को हम फिर से ओपन कर लेते हैं। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये ऑप्शन मिलेगा सर्च आइकन का, इसे आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर आपको सर्च बार में सेटिंग का नेम आपको टाइप करना है होम स्क्रीन ऐप आइकन बैज इस तरीके से, ठीक है। तो आपको जो है ना नीचे की साइड ये ऑप्शन शो हो जाएगा, यहाँ पर आपको एक बार इसे आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट करने से क्या होगा, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली इस सेटिंग में आपको लेकर आ जाएगा। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।